इवन कुछ चीज़ें सेफ़ होती हैं लेकिन हम उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो सीएसई को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? डेफ़िनेटली ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल भी आते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेकिन उनमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सप्लीमेंट किन कंडीशन में यूज़ होता है? डेफ़िनेटली हमने पहले बात की कि कैल्शियम डेफिशिएंसी में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अंडर सुपरविजन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा कॉमन जो सप्लीमेंट हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वो है सीएसी। तो आज हम बात करेंगे कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोजेज क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, किन सूरतों में आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह सीएसी 1000+ जो सप्लीमेंट है ये भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली कि आपको कैल्शियम की कमी ना हो। स्पेसिफ़िकली ओल्डर वुमेन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है विद एज, और इसके साथ साथ आपकी बोन और टीथ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ योर टीथ एंड बोन। इसके अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट शामिल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट शामिल है, इसके साथ वाइटामिन B6 अवेलेबल है, वाइटामिन D3 अवेलेबल है और इसके साथ साथ वाइटामिन सी भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब जो सबसे पहला कंपोनेंट था कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट, ये कैल्शियम सॉल्ट है लैक्टिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड का। तो ये जो सॉल्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अगर हम बात करें बाकी जो कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं तो ये जो सॉल्ट है ये काफ़ी बेहतर रहता है जब भी हमने सप्लीमेंटेशन देनी होती है। इसके साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं ये आपको प्रिवेंट करता है बोन फ्रैक्चर से, और इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। और काफ़ी ऐसी कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, इनका रिस्क भी कम कर देता है। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका बेसिक कंपोनेंट होता है आपकी टीथ और बोन्स के अंदर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है उनकी मेंटेनेंस के अंदर। ये आपकी बोन्स को मेंटेन करके रखता है, बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है और आपको कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क होता है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। तीसरा हमारे पास कंपोनेंट था वाइटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब ये जो वाइटामिन सी होता है ग्रोथ और रिपेयर का जो प्रोसेस आपकी पूरी बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसको सस्टेन करने में, उसको चलाने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को कॉलेजन बनाने में। कॉलेजन प्रोटीन जो होता है ये आपकी बोन और टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है, तो कॉलेजन सिंथेसिस के अंदर वाइटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ वूंड हीलिंग के अंदर वाइटामिन सी का एक पॉजिटिव रोल होता है। तो अगर वाइटामिन सी डेफिशिएंट हो तो आपकी वूंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही होती। इसी तरह आपके कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन वगैरह की मेंटेनेंस के अंदर वाइटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में भी वाइटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वाइटामिन D3 भी इसके अंदर अवेलेबल है। कैल्शियम की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के अंदर वाइटामिन D3 का बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ वाइटामिन डी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है उसको डिक्रीज़ कर देता है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन फ्रैक्चर का जो चांस है, हड्डियाँ टूटने का चांस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और ये फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ साथ आपकी बोन और टीथ हेल्थ को मेंटेन करने में वाइटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर का रिस्क कम करता है। आपके मूड और जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करने में वाइटामिन डी का एक पॉजिटिव रोल देखा गया है। वाइटामिन B6 भी इस सप्लीमेंट के अंदर मौजूद है। वाइटामिन B6 RBC फॉर्मेशन के जो आपके खून के खलियात होते हैं उनको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इसके जो रोल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर आपको वाइटामिन B6 की कमी हो तो अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और नर्व डैमेज हो सकता है। तो वाइटामिन B6 इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CAC को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? डेफ़िनेटली ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल भी आते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेकिन उनमें प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि अगर आप उनकी अगर इनटेक ज़्यादा करें तो फिर आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन ये चूँकि डिसॉल्व हो जाता है तो आप इसको एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं और आप इसको फूड के
साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप फूड के साथ ले रहे हैं तो ये ज़्यादा एक बेहतर तरीका होता है सप्लीमेंट को लेने का। और कोशिश करें कि एक से ज़्यादा या रिकमेंडेड जो आपको आपका फिजिशियन लिख के दे रहा है उससे ज़्यादा आपने ये सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सप्लीमेंट किन कंडीशन में यूज़ होता है? डेफिनेटली हमने पहले बात की कि कैल्शियम डेफिशिएंसी में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अंडर सुपरविजन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये लिख के दिया जाता है, फ्रैक्चर्स के अंदर, हाइपरपैराथायरायडिज्म के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट को भी अंडर फिजिशियन सुपरविजन इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स के साथ। वो ग्रुप्स जिसके साथ ये इंटरेक्ट करता है, जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होती हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो जो दिल के मरीज़ हैं उनको कैल्शियम सप्लीमेंट थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। थायराइड डायूरेटिक्स के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। इसके साथ जो फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है, लीवोफ्लॉक्सासिन वगैरह, उनके साथ इसका होता है। जो हाइपरटेंशन को कम करने की दवाई डिल्टाइजम वगैरह होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। डिजॉक्सिन वगैरह के साथ, लिथियम के साथ इसका इंटरेक्शन है, सूटालॉल वगैरह के साथ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की हमने बात की, सेफ्ट्रायोक्सोन, टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। तो कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स के साथ आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। हार्ट की जो मेडिसिन हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से पूछ लें अगर वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है या अगर वो पॉजिटिव साइन देते हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप कर लें। वरना कोशिश करें कि अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही आप इसको इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो इसका जो RDA होता है वो 1000 मिलीग्राम होता है, तो ये इसकी सेफ़ लिमिट होती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 2000 से 2500 मिलीग्राम से ज़्यादा इसको ना लिया जाए, टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वन टैबलेट इनफ होती है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, हाइपरकैल्शीमिया, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाना, किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके साथ साथ स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट पेशेंट्स को आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंजाइना के पेशेंट्स को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खुद से। इसी तरह किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ख़ुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह कंडीशन होती है एक क्लोरहाइड्रिया, जिसके अंदर जो कैल्शियम है वो कम एब्जॉर्ब होता है क्योंकि स्टमक एसिड कम होता है। तो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको भी डोजेज डॉक्टर से अपने वो सेट करवानी चाहिए। इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होती है। एंड स्पेसिफिकली जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का मामला है, जो ख़वातीन प्रेगनेंट होती हैं या बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, उनको भी ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो जो आपका बच्चा है उसके अंदर सीजर्स के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हम सप्लीमेंट्स की जब भी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं अंडर सुपरविजन इस्तेमाल किए जाएं। इवन कुछ चीज़ें सेफ़ होती हैं लेकिन हम उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान होता है। सो ये च्यूएबल टैबलेट्स भी कैल्शियम के अवेलेबल होती हैं। CAC इज़ अ गुड थिंग कि इसके अंदर एक बैलेंस तरीके से जो माइक्रोज हैं उसकी कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकबान।